हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है फोरहेड की, आईब्रो की और अपर लिप्स की, और फेस पे भी काफ़ी टाइम से मैंने कुछ कराया नहीं है। तो आज मैं अपने फेस का प्रॉपर क्लीनअप कराने जा रही हूँ और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, छोटे छोटे से दो चार दाने हो रखे हैं। और मैं प्रॉपर क्लीनअप कराऊंगी, आप ये देख सकते हो कौन सा करा रही हूँ और क्या रिस्पॉन्स है उसका। ये फर्स्ट फेशियल है, मतलब कि ये वाला अभी फेशियल मैंने अपने पार्लर में यूज नहीं किया है, इसीलिए खुद के फेस पे ट्राई कर रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आज मैं ये वाला फेशियल करवाऊँगी खुद के फेस पे। कैसा है ये, कभी अभी तक मैंने किया नहीं किसी के, इसलिए फर्स्ट टाइम खुद पे यूज कर रही हूँ। नेचर्स एसेंस का एंटी एजिंग, सॉरी थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट हो रहा है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट फेशियल है विथ कोलेजन बूस्ट। देख सकते हो आप, ये इतनी बड़ी सी किट है और इस पर है प्री फेशियल प्रेप D10 थेरेपी। इस पर D10 थेरेपी का ये किट फ्री मिला हुआ है, D10 पैक है। और ये क्लिंजर है, ये एंटी एजिंग स्क्रब है, ये एंटी एजिंग मसाज क्रीम है, एंटी एजिंग पैक है और एंटी एजिंग सीरम है। ये टोटल 5 स्टेप्स हैं, इसमें एक स्टेप्स ये फ्री दे रखा है, टोटल 6 स्टेप्स हो गए। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी, इसका रेट क्या है। दोस्तों इसका रेट देख सकते हो, आई थिंक 1400 है, मुझे 10% लेस करके मिला हुआ है और 2021 का है और 24 तक ये चलेगा, आप देख सकते हो। और इस पर मेंशन है टाइमिंग, कितने टाइमिंग तक क्या चीज़ आप मसाज कर सकते हो। अगर आपको कोई फेशियल समझ में नहीं आता तो आप ये टाइमिंग और ये यूज करने का तरीका देख के मसाज कर सकते हो। और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ऊपर से फ़िलहाल पूरी लेमिनेशन हो रखी है, पैकेजिंग का अभी खुला नहीं है ये, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर कैसे है और क्या क्या है। देख सकते हो ये बहुत सुंदर सा पैक है और ये एक कार्डबोर्ड का डब्बा है जिसमें ये पैक होके आया है। फर्स्ट नंबर पे इस पर ये क्लिंजर दे रखा है, जो कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है दोस्तों इसकी। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, टोटल दोस्तों 200 ग्राम का फेशियल है ये। और इसके साथ ये एक सीरम अवेलेबल है जो सबसे लास्ट का स्टेप्स है, और ये देख सकते हो 30 ml है, ये 50 ग्राम नहीं है और बस। और जो D10 पैक फ्री दे रखा है वो ये है, D10 पैक फ्री सारे किट्स पे दे रखा है इस टाइम नेचर्स वालों ने। तो मैं आज आपको अपने फेस पे ये फेशियल करके दिखाऊंगी, इस फेस मैं आज आपको करके दिखाऊंगी अपने फेस पे। ये एंटी एजिंग फेशियल है बट मैं खुद पे करूँगी ताकि इसका रिस्पॉन्स देख सकूँ कैसा है, ताकि फिर किसी क्लाइंट के ऊपर यूज करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आ गए हैं अब फेस की तरफ, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं आईब्रो बनवा रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ चेक कर रही हूँ। दोस्तों आईब्रो की वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे बनवाते हुए ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मुश्किल था थोड़ा सा शूट करना, बट मैं किसी दिन ज़रूर आपको अपनी आईब्रोज की वीडियो शूट करके दिखाऊंगी। तो अब ये जो एक दो हेयर रह रहे हैं मैं इसको निकलवा रही हूँ, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पतली ग्रोथ नहीं रखती हूँ मैं, मतलब मीडियम सी ग्रोथ रखती हूँ। और अब मैंने चेक कर लिया है आप देख सकते हो, और ये अभी बनानी बाकी है बट वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। तो चलते हैं अब दोस्तों फेशियल की तरफ और आ जाते हैं। ये अब फर्स्ट नंबर है आप देख सकते हो, जो कि मैंने ट्राई किया है फेशियल, वो उसका ये फर्स्ट स्टेप्स है। बहुत अच्छा फेशियल है दोस्तों, और मैं अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे करवाए हुए, वीडियो भी काफ़ी टाइम से शूट करके रखा था, अब अपलोड किया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग के लिए, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस फेशियल का।
और काफ़ी टाइम तक ग्लो भी था इसका। मैं आपको, आप मेरे वीडियो में आप देखते रहोगे साथ के साथ आपको इसका रिज़ल्ट विजिबल होगा। और ये जो फेशियल करवा रही हूँ मैं, ये फ़र्स्ट टाइम है, मैंने पहली बार यूज किया है। और जो ये कर रही हैं इनको अभी मैं पार्लर का काम सिखा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हाथ सेट नहीं है, मैंने इनसे सूट करवाया है। तो आप ये देख सकते हो, सिखाने का भी तरीका ऐसे ही हम सिखाते हैं अपने पार्लर में, और थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, तो कोई बात नहीं, ऐसे करते करते सबका हाथ सेट हो जाता है। आप देख सकते हो मैं बहुत लाइटली मसाज करवाती हूँ और बहुत कम फेशियल करवाती हूँ। मुझे ना बड़ी, मतलब ये समझ सकते हो, मुझे बड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है फेशियल ब्लीच कुछ भी कराने में, बट मुझे सिखाना था तो, और ये ट्राई करवाना था खुद के फेस पे। खुद से फेशियल भी हो जाता है, बट मैंने सिखाया भी है और आपके लिए वीडियो भी शूट किया है। और ये फर्स्ट फेशियल था मतलब कि इस ब्रांड का और ये वाला, तो मैंने सारी चीज़ें मैंने एक साथ आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। देखिएगा, इन्जॉय करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। साथ के साथ आपको हर स्टेप्स में एक अलग निखार आएगा फेस पे, ये आपको सामने दिखेगा। और इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है इस वीडियो में, कोई फ़िल्टर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है, डायरेक्ट फेशियल करा के वीडियो अपलोड किया है दोस्तों। तो ये फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद टिश्यू को गीला करके उससे फेस को क्लीन करना है, क्योंकि ये क्लेंजर है। अब सेकेंड स्टेप्स के लिए फेस रेडी है। आप देख सकते हो एक स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर में दोस्तों इसमें स्क्रब दे रखा है, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड नंबर पे स्क्रब है, बहुत लाइट सा स्क्रब है, बहुत मोटे दाने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आईज़ पे यूज़ नहीं करवाऊँगी। और साथ के साथ इतना बोलना इसलिए पड़ रहा है, आप देख रहे होगे क्योंकि मैं बता रही थी कितनी देर और कैसे मसाज करना है दोस्तों। और बस आईब्रोज़ पे और सॉरी आँखों से दूर रखना है। और आप इसको स्क्रब ट्राई करते समय आप रोज़ वाटर का यूज कर सकते हो या पानी का यूज कर सकते हो, और गर्मी में अगर आप ठंडा पानी यूज करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए। मैंने दोस्तों रोज़ वाटर, स्किन सीक्रेट का रोज़ वाटर यूज किया है, आप देख सकते हो। आप चाहे तो पानी भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट क्या होता है रोज़ वाटर से थोड़ा फ्रेगनेंस चेंज हो जाती है और अच्छा थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। और बिल्कुल भी ड्राई हाथ नहीं चलाना चाहिए, तो रोज़ वाटर और पानी आप बीच बीच में ऐड करते रहिएगा मसाज के टाइमिंग। दोस्तों अब ये थर्ड नंबर की क्रीम है जिसको अब मसाज किया जा रहा है, इसमें भी थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर यूज किया है क्योंकि मसाज बहुत आराम से हो जाए इसलिए। और आप देख सकते हो ये क्रीम है, अब हम इसको, क्रीम को हटाना नहीं है, हमें फेस से क्लीन नहीं करना है, इसको स्किन के अंदर मिक्स करना है, एब्जॉर्ब कराना है स्किन के अंदर। आप मसाज करते करते इसको स्किन के अंदर
मिक्स करना है आपको, इसे बिल्कुल भी नहीं हटाना है। इससे क्या होता है आपके फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आता है और सारा मसाज और सारा फेशियल आपके इसी क्रीम के ऊपर डिपेंड होता है और आपके मसाज के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब देखते हैं इस वाली क्रीम को यूज करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या असर है फेस पे, कितना ग्लो आता है आपको साथ के साथ दोस्तों इसमें दिखाई देगा। तो आप मसाज देखिएगा और इसका रिस्पॉन्स देखिएगा कितना ग्लो आता है। मैं साथ के साथ दोस्तों सिखा रही हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं फेशियल करना सिखा रही हूँ और आपके साथ वीडियो भी शूट किया है, दोनों काम किया है। कुछ गलती हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। दोस्तों 5 नंबर में इसमें पैक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा पैक है, वाइट है, बिल्कुल लिक्विड बेस है। इसको फेस पे ऐसे अप्लाई करना है, तो अब इसको ऐसे ही लगाते हैं ऊपर की दिशा में, आप देख सकते हो। और क्रीम का ग्लो आप फेस पे देख सकते हो, आप पहले देखिएगा स्टार्टिंग में फेस कैसा हो रहा है और अब देखिएगा कितना अच्छा सा ग्लो आपके सामने आ रहा है। और
तो अब पैक लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना है, उसके बाद पैक को क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है दोस्तों पैक को। मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि पैक बिल्कुल ड्राई नहीं करना चाहिए, थोड़ा पैक गीला हो, 10% 20% जब आपका पैक गीला हो तभी आपको आराम से रिमूव कर देना चाहिए। क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जब पैक ड्राई हो जाता है तो स्किन में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं होता है। और अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और रिलैक्स फील करने के लिए ठंडे पानी में या बिल्कुल चिल्ड रोज़ वाटर हो, आप इसे कॉटन पैड पे ऐसे लगा सकते हो और लगा के अपनी दोनों आँखों पे रख सकते हो। इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा पैक तो सुखाना है, ड्राई करना है हल्का सा, और आँख बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो, आप देख सकते हो। और अब आ जाते हैं पैक को रिमूव करने। दोस्तों 5 मिनट या 7 मिनट बाद मैंने हटाना शुरू करवा दिया था कि थोड़ा सा ड्राई हो गया था। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाई थी, बहुत पतली सी लेयर लगाई थी, क्योंकि मैं बहुत देर तक अपने फेस पे कुछ रख के बैठ नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा आदत नहीं है ना, तो अनकंफर्टेबल फील होता है आप ये भी कह सकते हो। और क्लाइंट भी आ रहे थे, काम भी करना था, मैंने 2 से 3 मिनट ही पैक रखा था, आप उतने में देख सकते हो थोड़ा सा ड्राई हो गया था। हल्का सा मसाज करवा के फेस को क्लीन करवा दिया दोस्तों, ऐसे ही आप देख सकते हो। आप ग्लो देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ग्लो आपको अच्छे से विजिबल हो रहा था, मुझे उस टाइम अच्छा रिजल्ट आया था। आप ये देख सकते हो कितना प्यारा सा ग्लो आया है फेस पे, 7 के 7, और 2 दिन बाद तो बहुत ही अच्छा सा फेस बिल्कुल चमक रहा था। 2 दिन बाद इसलिए कि आपका जो मसाज करते करते फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल स्किन थोड़ी सी रेड कर देता है, उसे नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फेस पे ग्लो अच्छा आता है। और अब ये देख सकते हो 5 नंबर पे फेस सीरम है, इसे आपको सबसे लास्ट में लगाना है। आप ये देख सकते हो ऑयल जैसा सीरम है, बस 2 ड्रॉप लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, और इससे फेस पे मसाज करनी है। तो दोस्तों ये है प्रॉपर रिस्पॉन्स और प्रॉपर तरीका फेशियल का, ये वाले किट का मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर किसी क्लाइंट के मैं करती हूँ तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर क्लाइंट रेडी होता है वीडियो शूट करने के लिए तो, नहीं तो आपने फेशियल देखा क्या रिस्पॉन्स है, सिखाते सिखाते भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आई थिंक अच्छा ही फेशियल है ये। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये फेशियल का वीडियो, और किस कैसा लगा फेशियल किट। तो फिर मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शी यू एंड टेक। दोस्तों आप फेस पे ग्लो देख सकते हो, कोई भी फिल्टर एडिटिंग नहीं किया है मैंने, ये डायरेक्ट आपके साथ वीडियो शूट किया, और ये जूम करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा रिस्पॉन्स है।